ब्रिज मोहन योग चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको घरेलू तौर पे कैसे ऑर्गेनिक पौधों को उपयोग किया जा सकता है, कैसे उगाया जा सकता है। आप देख रहे हैं धनिया, और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक धनिया है। थोड़ा जड़ को दिखाइए एक पौधे का, आ जाइए नज़दीक। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाह रहा हूँ। एक एक पौधा देखिए देखिए, इतना बड़ा ये विकराल रूप लिए हुए है, विशाल रूप लिए हुए है। ये हो रहा है केवल और केवल ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादन किए जाने पर ऐसा होता है। अब बाज़ार में जो धनिया बिकता है वो बिल्कुल ही बेकार धनिया है, और उसका कोई उसमें कोई सुगंध भी नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा देखे, मैं तोड़ रहा हूँ और इसको देखे मैं मसल रहा हूँ। आह क्या आनंद है, क्या खुशबू है, पूरा इलाका एकदम इसे खुशबू से, धनिया के सुगंध से भर उठा है, महक उठा है। और बाज़ार का धनिया लीजिएगा पूरा, उसका चटनी भी पी लीजिएगा, खाइएगा भी तो पता नहीं चलेगा कि धनिया केवल मानसिक तौर पर लगेगा धनिया खा रहे हैं, क्योंकि उसकी प्रजाति ठीक नहीं है और उसमें खाद डाले जाते हैं, उसमें रसायन का प्रयोग किया जाता है, उसमें कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। धनिया का प्रयोग इस प्रकार ऑर्गेनिक करना है, और बस छोटा सा एरिया में देखिए एकदम मेरे ऐसे अखबारी में आ जाएगा। और ये इस प्रकार का यदि प्रयोग करें तो सालों भर इसका आप खा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। इसके लाभ के तौर पर यदि किसी को उल्टी जैसा वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है, खास करके जो प्रेगनेंसी में जो महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त का चटनी बना के दोनों टाइम लीजिएगा, तो उल्टी होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यदि किसी को फैटी लीवर हेपेटाइटिस हो गया है तो धनिया की चटनी बना करके दीजिए। यदि किसी का पेट गर्म हो जा रहा है उसको धनिया की चटनी बना करके दीजिए। आँतों को एक्टिव करने वाला है, पाचन शक्ति को मजबूत करने वाला है। साथ ही साथ यदि किसी को थायराइड की समस्या हो गई है तो धनिया का पानी यदि उसे पिलाते हैं तो थायराइड के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी लाभकारी है। तो भाइये ऑर्गेनिक धनिया का इस्तेमाल करना है, उसे उत्पादन करना है और सबको उसे फ़ायदा पहुंचाना है।